नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आपने स्वयं को तेल से स्नान करते हुए देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप ऐसा देख रहे हैं कि आप जो है तेल किसी पात्र में रखा हुआ है उसमें आप डूब करके स्नान कर रहे हैं, या फिर तेल किसी भी पात्र में रखा हुआ है उससे आप अपने सिर पर ओढ़ेल रहे हैं, यानी कि स्नान कर रहे हैं। जैसे पानी से लोग नहाते हैं ना डिब्बे में लेके, ऐसे यदि आप स्वयं को सपने में तेल से स्नान करते हुए देख रहे हैं तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो सपने होते हैं हमारे जीवन में भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं कहीं ना कहीं उसकी तरफ एक पूर्व संकेत लेकर आते हैं। इससे इन सपनों को देखने के पश्चात हमें सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत से लोग आते हैं कमेंट में ये शिकायत करते हैं कि सर आपने जो है इस सपने का मतलब बता दिया, मेरे जीवन में वो घटना घटित ही नहीं हुई। तो दोस्तों, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने रात में स्वप्न देखा और सुबह उसका फल मिल जाए। दोस्तों, इस सपन को फलित होने का समय जो होता है ये काफ़ी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने रात्र के किस पहर में इस सपने को देखा है। दोस्तों, यदि आप रात में 12 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो वो सपना जो होता है फलित होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त ले लेता है। और यहीं पर यदि आप रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में कोई सपना देख रहे हैं तो वो जो होता है 4 से 6 महीने में फलित होता है। और इसके पश्चात यदि आप रात के 3 बजे से के बाद और 4 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो ये सपना जो होता है 1 से 1.5 महीने में फलित होता है। वहीं पर आप सुबह उठने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना देख रहे हैं तो सपना जो होता है 24 से 48 घंटे में अवश्य फल दे देता है आपको। तो दोस्तों, यहीं पर आज हम बात करेंगे कि सपने में यदि आपने खुद को तेल से स्नान करते हुए यानी कि नहाते हुए देख लिया है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बतलाया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने चाहे वो स्त्री हो या पुरुष सपने में स्वयं को तेल से स्नान करते हुए तेल से नहाते हुए देख रहा है या देख रही है तो सपना देखना देखने वाले व्यक्ति के लिए कहीं से भी शुभ स्वप्न नहीं होता है। दोस्तों, सपने में खुद को तेल से स्नान करते हुए देखना एक प्रकार से अशुभ स्वप्न होता है, अतः सपने को देखने के पश्चात इंसान को सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बतलाया गया है कि यदि आपने स्वयं को सपने में तेल से स्नान करते हुए देखा है तो यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में भविष्य में आपको गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं या हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी आपको ग्रसित कर सकती है। साथ ही साथ मित्रों, यह सपना भविष्य में होने वाले धन हानि की तरफ भी इशारा कर रहा है, यानी कि आप बीमार होंगे, आप कहीं पर किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, उससे पीड़ित होते हैं तो उसमें भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, उससे धन हानि हो सकती है, या किसी अन्यत्र आपका पैसा जो है वो डूब सकता है या कहीं से भी और कोई आपको लॉस हो सकता है। तो मित्रों, यदि आपने ऐसा सपना देखा है तो आपको इस सपने को देखने के पश्चात काफ़ी सचेत हो जाना चाहिए और काफ़ी सोच समझ कर ही जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुँच सके। और मित्रों, जब आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी इस सपने का मतलब जान सकें तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगा संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।